तो जी आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम लोग इस चैनल पर कई सारे इम्पोर्टेंट डिटेल रिव्यू ऑलरेडी कवर कर दिए। तो आप अगर बच्चे इस साल 2023 में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आप एक जो भी कोर्स करना चाहते हो, बीटेक, एमसीए, आपका एमटेक, ठीक है, सभी कोर्सेज का वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। तो प्लीज़ वीडियो जाइए, देखिए, आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, कॉलेज रिव्यू स्पेशल मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर एक बार की तरह हम लोग यहाँ पर भी आपका डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। आपका कोर्सेज अफोर्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड प्लेसमेंट हो गया। तो चार ऐसे फैक्टर है जो कि आपको देख करके चूज करना चाहिए कि मेरे लिए कॉलेज सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कॉलेज के बारे में बात करते हैं, हाईलाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो कॉलेज है आपका गुरुग्राम में लोकेटेड है। ठीक है, एंड काफ़ी सुंदर सा कैंपस है, ग्रीन कैंपस है। ठीक है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, मतलब एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात है तो 36 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का रिसेंट डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, गया है। थर्डली प्लेसमेंट जो है 100% हो जाता है, ये 100% नहीं बल्कि आप मान के चलिए कि 95 to 100% जनरली होता है। ठीक है, इसके बीच में होता है, मतलब लगभग सही बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं जो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, टॉप 500 कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम यहाँ पर विजिट करती है, एंड 400 से ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल यहाँ पर रिक्रूटर्स है। एंड ये जो है रिक्रूटर्स यहाँ पर दोनों ही तरह के हैं, आपका प्रोडक्ट बेस्ड भी है एंड सर्विस बेस्ड भी है। हम लोग डिटेल लेंगे कौन कौन सी कंपनी आती है। ठीक है, लेकिन हाँ जी, दोनों तरह की आपको कंपनी देखने को मिल रही होंगी इस कॉलेज में। कोर्सेज ऑफर क्या क्या है, तो यहाँ पर बीटेक मौजूद है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, डेटा साइंस, बीएलएलबी, बीबीए, एलएलबी, बी फार्मेसी, बीपीटी, बी आर्किटेक्चर, बी डिज़ाइन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो कई सारे बच्चों को ये मतलब करने में इंटरेस्ट होता है, तो जी हाँ, आपके लिए सही कॉलेज हो सकता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप इंटरेस्ट रखते हो तो। बीएड, बीएससी, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट एंड और भी कुछ कोर्सेज मौजूद है। अब यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर की जाती है इन कोलेबोरेशन विथ लीडिंग इंडस्ट्रीज लाइक आईबीएम, एनएससी, एकेडमी, सेमेट्रिक्स, जेकबी एटसेट्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोर्सेज डिजाइन कर दिए, आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, तो वहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए जो कि इंडस्ट्री रेडी कोर्स बन सके। मतलब कई सारे आपका यूनिवर्सिटी हो गया ना, वहाँ पर सिलेबस काफ़ी आउटडेटेड होता है, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है मैच नहीं कर पाता है। तो इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सीखना चाहिए, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारी जगह पर नहीं सिखाई जाती है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है सो डैट आपको यहाँ पर इंडस्ट्री रेडी कोर्स मिल सके। ठीक है, तो ये जी आपको यहाँ पर है। वैसे और भी कुछ कोर्सेज मौजूद हैं, तो जो भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल जाना है तो एक नंबर दिया गया, काउंसलिंग नंबर, ठीक है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री में हेल्प किया जाएगा। और बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। फीस एंड स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है मेरिट के बेस पर, ठीक है, एंड 100% तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। डिटेल फीस के बारे में बात करें तो देख सकते हो पीडीएफ यहाँ पर एक ओपन में कर रखा हूँ। तो देखिए, लाइक आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिजिबिलिटी मेंशन कर दिया, तो पहले तो आप ये चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। एंड फीस स्ट्रक्चर बारे में बात करें तो देख सकते हो सीएससी हो गया, सीएससी स्पेशलाइजेशन हो गया, एंड जो बच्चे लाइक लैटरल के तौर एडमिशन लेना चाहते हैं, लैटरल एंट्री है, तो 4 साल का आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, एंड टोटल फी पर ईयर, ठीक है, तो हर एक साल का आप देख सकते हो 1,85,000 है, 2,20,000 है, ठीक है, तो वेरी करते रहता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो। तो इसका डिटेल मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा, तो इस पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर वाइब्रेंट कैंपस लाइफ मौजूद है आपके लिए, ठीक है, विद स्टेट ऑफ द आर्ट्स स्पोर्ट्स जिम हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट्स लेक्चर थिएटर्स लेबोरेटरीज एंड स्टूडियोज मौजूद है, हाईली सब्सिडाइज ट्रांसफर फैसिलिटी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लेसेज इन दिल्ली एनसीआर। तो आपका लाइक जो भी ट्रांसफर फैसिलिटी है आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रही होंगी। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, स्क्वैश कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, सॉकर है, टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, तो दोनों तरह की चीज़ें इंडोर एंड आउटडोर आपको दोनों तरह की मिल रही होंगी। और भी बात कर ले, कैफेटेरिया है, वाईफाई कैंपस है, लाइब्रेरी है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एंड ये इन कैंपस मतलब कैंपस के अंदर ही आपको हॉस्टल का आपको सुविधा मिल रहा होगा, ठीक है। कंप्यूटर लैब है, आपका मैक लैब है, डिजाइन स्टूडियो है, मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये चीज कैंपस में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। अब जी फाइनली बात करते हैं प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, तो रिसेंट का डेटा की बात करते, पहले हम लोग ये जान ले इंटर्नशिप आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, एंड प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है एट लीडिंग इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स। तो आपको तो पहले एक इंटर्नशिप करना जरूरी है, अगर इंटर्नशिप में बेहतर परफॉर्म करते हो तो पीपीओ मिलता है,
प्री प्लेसमेंट ऑफर, एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है तो आपको फिर प्लेसमेंट प्राप्त करने की जो चिंता होती है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो पीपीओ की मदद से आप मतलब इन फ्यूचर जो कंपनी के लिए आप काम किए हो, इंटर्नशिप किए हो, आप उसी कंपनी में फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जी रहा पीपीओ सबका जो फाइनल कन्फर्मेशन के लिए। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटीग्रेशन थ्रू प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, मास्टर क्लासेस एक्स्ट्रा, तो ये सब होती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर थ्रू समर स्कूल प्रोग्राम्स एंड सेमेस्टर प्रोग्राम्स, तो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल का एक्सपोजर मिलता है कि लाइक जो बाहर के कॉलेजेस हैं, फॉरेन कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर उनका जो कोर्स है, करिकुलम कैसा होता है, पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, बच्चे का लाइक माइंड कैसा होता है, ठीक है। तो मतलब रिसेंट का जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसको भी देखा जाता है एंड वैसा डिजाइन किया जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात की तो 36 लाख आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था, प्लेसमेंट नियरली 90% हो जाती है एंड 400+ नेशनल एंड इंटरनेशनल आपको यहाँ पर रिक्रूट मिल रहा होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके कंपनी है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। और जो टॉप कंपनी से बात करें तो आपका यूनियस है, विप्रो है, डेकल्थन है, एसेंचर है, क्वांटेला है, TCS है, IGE है, स्क्वाड्स है एंड गीतांजलि होमस्टेड है। अब यहाँ पर एक चीज़ में बता दूँ, कुछ कंपनियाँ होती है मतलब जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, ठीक है, XYZ। अब ये जो कंपनी है मान लीजिए आपका टायर वन में जाती है, टायर टू में जाती है, तो डिफरेंट पैकेज लेकर जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो जो कंपनी है कौन से कॉलेज में विजिट कर रही है, अगर सही कॉलेज में विजिट कर रही है तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हायर पैकेज है वो भी प्रोवाइड करती है बच्चों को, अगर एलिजिबल होते हैं तो। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, तो ये भी कॉलेज आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, आपका अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज कंसिडर करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह चुका है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो एक फ्री काउंसलिंग सपोर्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।